सामने सतगुरु जी दे चौड़ा सा पिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है थोड़ा साडे यूट्यूब चैनल ते, जिस दा नाम है गुरसिख ब्लॉग। तो आस करते हैं तुसी सारे ठीक ठाक तंदुरुस्त होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे। अज असी ब्लॉग शुरू करन जा रहे हैं, जिवें कि आप जी ने वादा किया सी कि तुहानू नवें नवें गुरद्वारा साहिबां दे दर्शन करवाया करांगे। अज असी पहुँचे हाँ पिंड बिलगा। ये बिलगा पिंड जलंधर जिले में आउंदा, ये इतिहासक स्थान जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज शहीदों के सरताज शांति दे पुंज सतगुरु जिया ने अपने पावन पवित्र चरण पा के इस स्थान नू पवित्र किया। गुरु अर्जन देव महाराज पिंड माओ साहब विखे ब्याण जाते समय इस अस्थान ते ठहरे सन। इस बिलगा पिंड की संगत ने, सत कुलियां वाले लोगों ने सतगुरु जी की बड़ी भावना दे नाल शरदा दे नाल सेवा की। सतगुरु जी ने खुश हो के इस नगर नू बहुत वर दिते। सतगुरु जी ने आख्या भी थोड़ा पिंड वधे फुलेगा, तो जिहड़ा थोड़ा सत कुलियां विच पिंड है ये एक दिन आएगा सत दरवाजियां विच होएगा। तो इस बिलगा पिंड नू सत दरवाजे लगते हैं। तो जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज व्याहुण वास्ते पिंड माओ साहब तुरन लगे तो इत्थों दे लोगों ने विराग विच आ के भावना विच आ के सतगुरु जी अगे अरदास कीती, ऐ धन गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करो, साढ़े पिंड हर साल अग लगती है, असी हर साल नवे घर बनाने हैं, तो आए साल साड़ियाँ कुलियाँ झोंपड़ियाँ जल के सवाह हो जांदियां, महाराज करो कृपा ये अग लगनी बंद हो जाए। तो सतगुरु जिया ने आख्या भाई किवें लगती है, तो उस समय पिंड वालिया ने आख्या जी महापुरशां दा कोई सराफ मिलिया होया पिंड नू वी तां करके अग लगती है। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या वी शराफ भी उही रहेगा, अग लग्या जरूर करेगी भाई, तुसी साडी सेवा भावना दे नाल कीती है, शरदा नाल कीती है, जाओ असी तुहानू वर दिंदे आ, अग जरूर लगेगी पर थोड़े घर नुकसान नहीं पहुँचेगा। जेडे ढेरा है थोड़े ढेर है कूड़ा करकट वाली जगह उत्थे अग लग्या करेगी। सो गुरमुखो अज भी हर साल इस नगर विच आ के तुसी पुछ सकदे हो ढेरा नू कूड़े करकट वाली जगह नू अग लगती है। तो नाल ही जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज इस पिंड विच्चों चलन लगे तो सतगुरु जिया ने इस नगर नू बहुत माण बख्शिश किया। चलण समय सतगुरु जिया ने इत्थे बहुत बख्शिशां कीतियां, जो कि अपने वस्त्र सेली टोपी चोला साहिब पजामा हजूरिया रुमाल बटुआ दुशाला चंदन दी चौंकी अते हाथ वाला सिमरना सतगुरु जिया ने इस नगर नू बख्शिश कीता है, जो कि इत्थे बहुत सोहना गुरद्वारा साहिब बनिया होया उस जगह ये सारिया वस्तुआं सतगुरु जी दियां पईआं हन। आओ तुहानू उह वस्तुआं दे भी दर्शन कराउने आ ते गुरद्वारा साहिब दे भी दर्शन कराउने आ। लो जी तुहानू हुण इहदा जी दर्शन कराउने आ, सतगुरु जी दियां वस्तुआं जिहड़ियां इस नगर नू गुरु साहिब ने बख्शिश कीतियां। आओ करो दर्शन। ओ सामने सतगुरु जी दे चोला साहिब पिया, सतगुरु जी दा बटुआ सेली टोपी हाथ दा सिमरना गुरु साहब दा रुमाल बटुआ सैली टोपी है जी, आ चोला साहब सतगुरु जी दा पजामी है,
ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।